नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा जारी की गए अति महत्वपूर्ण आदेशों के बारे में। जी हां साथियों, आज लोक शिक्षण संचालनालय ने दो अति महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। एक उप प्राचार्यों से संबंधित है, दूसरा शिक्षकों की स्थापना से संबंधित है। तो दोनों ही आदेशों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिए और देखिए क्या है जानकारी। जी हां साथियों, तो आप पहला पत्र देख सकते हैं, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल 28/3/2022 प्रति जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिला, मतलब ये जो पत्र है वह जिले के समस्त जिला शिक्षा अधिकारी यानी कि DEO महोदय को लिखा गया है। विषय उप प्राचार्य के लिए परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के MET के प्रमाण पत्र एवं जिला राज्य राष्ट्रीय स्तर के प्रमाणीकरण की जानकारी प्राप्त करनी विषयक, मतलब जो उप प्राचार्य के लिए परीक्षा में चयनित परीक्षार्थी थे उन्होंने जो प्रमाण पत्र MET के प्रमाण पत्र और राष्ट्रीय स्तर के प्रमाण पत्र की जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय ने मांगी है और यह जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से मांगी गई है। वैसे अंतर्गत उप प्राचार्य पद हेतु लोक सेवकों की जानकारी संलग्न है, संबंधितों द्वारा अपने आवेदन पत्र में MET होने एवं जिला राज्य राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड के संबंध में प्रविष्टि की थी। कृपया सभी संबंधितों को सूचित करने की भी दिनांक 29/3/2022 को शाम 5 बजे तक MET पुरस्कार संबंधी अपने प्रमाण पत्र यूनिक ID एवं नाम से ईमेल cmrajselection@.com पर भेजें। तो इस तरीके से ये पत्र है और पत्र के साथ में संबंधित उप प्राचार्यों की सूची भी संलग्न की हुई है। यदि आप पत्र और सूची प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे रखा है, आप आसानी से वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसी क्रम में दूसरा जो आदेश है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो दूसरा आदेश है वो भी जिला शिक्षा अधिकारी समस्त यानी कि समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए जारी किया गया लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से, और उसमें भी विषय जो रखा है CMRI स्कूल योजना अंतर्गत शिक्षकों की पदस्थापना विषयक। विषय अंतर्गत CMRI स्कूल योजना अंतर्गत चिन्हांकित विद्यालयों के लिए सह अकादमिक संगीत नृत्य कला काप्ट एवं खेलकूद विषय के शिक्षकों की पदस्थापना की जाना है। इस हेतु विज्ञापन जारी कर अभ्यर्थियों के आवेदन आमंत्रित किए गए थे। विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख है। संलग्न सूची अनुसार आवेदकों के सह अकादमिक पदों के लिए आवेदन में संबंधित द्वारा दर्शाई गई शैक्षणिक योग्यता का परीक्षण किया जाना है। कृपया संबंधित शिक्षकों द्वारा दी गई शैक्षणिक योग्यता का प्रमाणीकरण कर 30/3/2022 शाम 5 बजे तक यह जानकारी संलग्न प्रपत्र में ही हस्ताक्षर कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो यह जानकारी भी 30 मार्च तक मांगी गई है और इसमें भी जो सूची संबंधित जो शिक्षक हैं जिन्होंने मतलब आवेदन भरे थे चॉइस फिलिंग की थी उनकी सूची भी संलग्न की हुई है। यदि आप इस सूची को भी प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका भी लिंक दे रखा है, आप आसानी से वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथ ही ये दो महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण जो पत्र जारी किए गए थे लोक संचालनालय से जो प्राचार्य और सह अकादमिक पदों पर कार्य करने के इच्छुक शिक्षक साथियों के लिए जारी किए गए हैं, तो ये पत्र जो मैंने आपके सामने रखे, कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहें इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।